hello rupsho let's see the question the question says that a survey shows that 63% of the people watch a news channel whereas 76% watch an entertainment channel at a particular time if x% of the people watch both type of channels then x is equal to 35 x is greater than equals to 63 x is between 39 to 63 and एक्स इज इक्वल टू थर्टी नाइन ओके सो यहाँ ये जो क्वेश्चन हमको गिवन है ये है सेट थ्योरी का ओके okay? और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है एक सर्वे है जिसके अंदर क्या गिवन है सिक्सटी थ्री परसेंट पीपल्स जो है वो न्यूज चैनल्स देखते हैं तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट uh, ए जो है फर्स्ट यानी कि जो न्यूज़पेपर देखने वाले हैं तो मैं उनको क्या डिनोट uh, कर रहा हूँ ठीक है न्यूज चैनल देखने वाले को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ ठीक है तो ये कितना परसेंटेज गिवन गिवन है 63 है ओके okay? एंड uh, इसी के साथ मैं क्या बोल रहा हूँ सेवेंटी सिक्स परसेंट जो है वो क्या करते हैं एंटरटेनमेंट चैनल देखते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई ओके एंटरटेनमेंट चैनल्स देखने वाले कितने हो जाएंगे सेवेंटी सिक्स परसेंटेज हो जाएंगे ओके okay? तो हमको पूछा है कि एक्स परसेंट ऑफ द पीपल वॉच बोथ टाइप ऑफ चैनल्स ओके तो हमको बोला है कि एक्स परसेंटेज जो है वो क्या करते हैं दोनों टाइप के चैनल देखते हैं ठीक है तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि एन इंटरसेक्शन ई जो है ठीक है वो कितने देखते हैं एक्स परसेंट देखते हैं ठीक है अब हमको पता है कि जो टोटल यूनियन जो है ठीक है दोनों का वो क्या हो सकता है जो न्यूज चैनल देखते हैं और जो एंटरटेनमेंट चैनल देखते हैं उन दोनों का जो एडिशन है उ, उन सारे पीपल्स का सम जो है वो हमेशा हंड्रेड परसेंट से तो कम ही रहेगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ यहाँ पे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एन यूनियन ई जो है वो हमेशा क्या रहेगा हंड्रेड से लेस ही रहेगा हंड्रेड परसेंट से क्योंकि इससे ज्यादा कैसे होगा सारे के सारे पीपल्स देख सकते हैं चैनल इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता और ऐसे कम जरूर हो सकता है कि हां ऐसा हो सकता है कि कुछ एक जो पीपल्स हैं वो कोई भी चैनल ना देखते हो ठीक है ना तो न्यूज न्यूज वाला देखते हैं ठीक है न्यूज चैनल देखते हैं और ना ही क्या देखते हैं एंटरटेनमेंट चैनल देखते हैं ठीक है यहां से हमने बोला कि नंबर ऑफ अब देखो अब यूनियन का फार्मूला हमको यहाँ पे आना चाहिए ठीक है तो यूनियन का फार्मूला क्या होता है यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और यहाँ से माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी होता है ठीक है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं देखो यहाँ से हमने किया इस फॉर्मूला का यूज एंड हमने देखा कि ए यूनियन एन यूनियन ई जो है उसको हम लिख सकते हैं क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई एंड इसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन इंटरसेक्शन ई अब देखो यहाँ से हमने देखा इस एन इंटरसेक्शन ई का वैल्यू एक्स है एन का वैल्यू कितना है एन में कितना एलिमेंट्स है सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री परसेंट एलिमेंट्स है ओके okay, और यहाँ पे सेवेंटी सिक्स है ठीक है तो ये जो है ये पूरा वैल्यू हंड्रेड से लेस होना चाहिए तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से हमने देखा सिक्सटी थ्री प्लस सेवनटी सिक्स जो परसेंटेज है और माइनस एक्स परसेंटेज करेंगे तो वो क्या होना चाहिए हंड्रेड से कम जाना चाहिए सॉरी तो ये क्या जाना चाहिए हंड्रेड से कम जाना चाहिए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये होगा हंड्रेड से लेस ठीक है तो यहां से हमने देखा कि ये सिक्सटी थ्री ये जो वैल्यू है हम जब इन इनको क्या करेंगे इस एक्स को इधर लेके जाएंगे और ये इधर आएगा ठीक है हंड्रेड इस तरफ आएगा एल में आएगा और एक्स उधर जाएगा तो हमने देखा कि एक्स का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू थर्टी नाइन होना चाहिए ये तो आगे हमारे पास पहला केस अब इसी टाइप से हम क्या देख सकते हैं दूसरा भी देख सकते हैं हमको ये पता है कि अगर मान लो कोई एक जो है वो दूसरे का सबसेट हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो जो इन दोनों में लीस्ट है यानी कि इन दोनों में सबसे कम जो है उससे क्या होगा हमेशा ज्यादा होगा ठीक है तो हम बोल सकते हैं इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा क्या रहेगा जो इंटरसेक्शन है सॉरी जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा लेस देन रहेगा किसमें से मिनिमम ऑफ देखो मिनिमम ऑफ एन ए ठीक है एंड एन बी ठीक है दोनों में से जो सबसे मिनिमम होगा उससे क्या रहेगा लेस रहेगा ठीक है तो यहां से तो हमने देखा कि एक्स का वैल्यू जो है थर्टी नाइन से ऊपर जाना चाहिए और इधर से हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमेशा लेस होना चाहिए मिनिमम ऑफ एन एन इज Uh, यहाँ से यानी कितना है सिक्सटी थ्री परसेंटेज है और यहाँ से कितना हो जाएगा ये सेवेंटी सिक्स परसेंटेज हो जाएगा दोनों में से जो लेसर है उससे भी कम रहेगा ये तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या रहेंगे लेस देन और इक्वल टू रहेंगे 63 से तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड हो जाएगा विच इज एक्स इज बिटवीन थर्टी नाइन टू सिक्सटी थ्री ओके ये हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ओके सिक्सटी थ्री और थर्टी नाइन के बीच में ओके आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल गुड लक थैंक यू